भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आज मानव के जीवन में बहुत बड़ा दोष आया है कि आपका प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया। कल जब गौ सेवा की बात हो रही थी तो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है गौ। कल मैं आपसे कह रहा था कि ऋषि मुनियों ने इतना श्रेष्ठ स्थान गौ को क्यों दिया, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। आज मानव के जीवन में इतना दुख और इतनी पीड़ा, इतना अवसाद बढ़ गया है, विषाद बढ़ गया है, क्योंकि प्रकृति से आपका संबंध विच्छेद हो गया है। देश में ऐसा समय आ गया कि सूर्य को जल दो तो बोले आप तो हिंदू हैं। भाई, सूर्य को जल देने से हिंदू नहीं होते, सूर्य को जल देने से स्वस्थ होते हैं, सूर्य को जल देने से प्रसन्न होते हैं। कोई है इस धरती पर? मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी पर जरा ध्यान से सुनना, कोई है इस धरती पर जो सूर्य के प्रकाश के बिना जीता हो? कोई है इस धरती पर जो गंगा और यमुना के जल के बिना पुष्ट होता हो? हम हिंदू नहीं है, हम सुसंस्कृत हैं कि लेते हैं तो बदले में एक कृतज्ञता भी अभिव्यक्त करते हैं, लेते हैं तो कुछ प्रणाम कर देते हैं। सूर्य को नमन कर देने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, सूर्य को नमन करने से कोई स्वस्थ होता है, सूर्य को नमन करने से मैं तो कहता हूं कोई पूरा का पूरा मनुष्य बनता है कि उससे प्रकाश लिया है, उससे जीवनी शक्ति मिल रही है, तो उसके प्रति एक प्रणाम निवेदन करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे आप मनुष्य हो, इतनी भी सभ्यता आपके जीवन में ना हो कि जिसके कारण आपका जीवन है, जिसके कारण आपके जीवन में ऊर्जा है, प्रकाश है, प्रसन्नता है, आप उसको एक प्रणाम भी निवेदन ना करो। तो आर्य संस्कृति ने जीवन जीने की एक बड़ी बड़ी सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध शैली दी। आपके जीवन में प्रकृति से संबंध विच्छेद हुआ, एक बार प्रकृति से संबंध फिर से स्थापित करिए, आपका जीवन प्रसन्न हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त देखे तो पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म कैसे देखेगा। जब प्रकृति के साथ आप अपना संबंध बनाते हैं तो प्रकृति अपना आवरण हटाती है। हमारे ऋषि मनीषियों ने जो जीवन दर्शन किया वो प्रकृति की कृपा से किया। जो प्रकृति के पंच तत्वों के साथ उन्होंने अपना सामंजस्य साधा, वो कितने लंबे काल तक और स्वस्थ रहे, उसका कारण क्या था कि प्रकृति के साथ उनका समन्वय था। जब आप प्रकृति के साथ संबंध बनाते हैं, जब आप प्रकृति के साथ अपना संबंध प्रतिष्ठित करते हैं तो प्रकृति आवरण हटाती है आपके सामने से। आपको पता चलेगा यहाँ प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक काल कोई ना कोई शक्ति उस समय सक्रिय होती है। रात को 2 से 3 बजे का समय, उस समय आप सबसे अधिक दुर्बल होते हैं। अर्धरात्रि के बाद का समय आसुरी बेला होती है, उस समय जो लोग खाते हैं तो उनके शरीर में जो 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 तमोगुण है उसकी अभिवृद्धि होती है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर भगवत स्मरण करते हैं तो उस समय इस सारे अस्तित्व में असंख्य महापुरुष भगवान की आराधना में लगे होते हैं। उनका जो उनके शरीर से जो परमाणु निस्सृत होता है वो आपका सहायक होता है, वो उपासना में आपका साधक होता है। तो सोने का, जगने का, उठने बैठने का कोई ना कोई कारण है। क्यों हमारे लिए ये समय निर्धारित किया गया?